जनपद इटावा पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को पुलिस मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस व 1 छुरा, 1 कंटेनर, 1 ऑटो कीमत 45 लाख किया गया बरामद। SSP इटावा के निर्देशन में थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही। कल जो रात बीती है, कल रात में, देर रात में लगभग 1:15 बजे के आसपास पुलिस की टीम जसवंत नगर को टिप ऑफ मिलता है कि कुछ लोग गायों को जो है गाड़ी में लाद रहे हैं। उस आधार पर जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो बलरई थाने का और चित्रहट थाना जो आगरा पड़ता है और अपने जसवंत नगर थाने का जंगलों का बॉर्डर था, उस बॉर्डर में जब पुलिस दबिश देती है तो उसमें एक बदमाश संजय यादव जिसका नाम है वो पुलिस पर फायर करता है और जब पुलिस उस पर काउंटर फायर करती है तो उसके पैर में गोली लगती है और पुलिस पर उसने फायर किया, उस पर जो पुलिस, चूंकि हमारी टीम जो है बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहती है, उसके जैकेट पर गोली लगती है। तो इस प्रकार से 3 लोग पकड़े गए हैं इस पुलिस एनकाउंटर में। उसको चिकित्सा के बाद पुलिस नियमानुसार उसे गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की गई है। 26 गोवंशी पशु बरामद किए गए हैं, कंटेनर जो यूपी किस नंबर का हो पकड़ा गया है, साथ ही साथ 2 तमंचे इसमें बरामद हुए हैं और 315 बोर के कारतूस बरामद किए गए हैं, मोबाइल फोन बरामद हुआ है, कंटेनर बरामद हुआ है और चाकू बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें बता दूं कि इसमें महत्वपूर्ण ये बात है कि इसमें कंटेनर के मालिक को तथा जो भी और लोग इसमें शामिल थे मुखिया, उनसे जो पूछताछ के आधार पर कुछ तथ्यात्मक काफी जानकारियां मिली है, तो इस पर हम कठोरतम कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। इसमें गैंगस्टर एक्ट तक की भी कार्रवाई निश्चित तौर से अमल में लाई जाएगी तथा इनके द्वारा जो अपराध करके धन कमाए गए हैं उस पर 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत निश्चित तौर से सीजर की कार्रवाई भी मेरे द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।